ओम शांति। मुरली का तारीख है 30/3/2020। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं यहाँ खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती जाएगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वहां खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यह रहती है। स्थाई व या ठहरती नहीं है। तुम बाप के बने हो, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको या नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बुद्धि में बैठता ही नहीं, बाप ने समझाया है। ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शुबाबा से पढ़ते हो, सारे विश्व का मालिक बनने तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, काश नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, अहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अतः चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते या भूल जाते हैं, या याद रहे तो खुशी भी रहे। परंतु फास्ट का कर्म भोग भी ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबर वार है। महान सौभाग्यशाली वा जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है। फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है,
बाकी तो कुछ भी समझते नहीं है, बस गुरु किया समझेंगे या हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे या तो खुद भगवान है अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए, वहां शांति धाम ले जाए। या बाप सम्मुख कितना समझाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शुबाबा हमको पढ़ाते हैं, वहां ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। या याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वहां नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो, भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कोई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वहां आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज कर्नल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे। कुछ नशा चढ़े, बाबा ने कहा है, कोई समय किसी को उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। अहो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, कितनी सहज पढ़ाई। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड ढूंढ कर निकाले थे कि हरेक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रदान बुद्धि को सतो प्रदान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रांग राइट सोचने की बुद्धि मिली है, बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बल सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो बल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूं। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूं। सर्विस तो करनी ही है ना।
देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यहाँ सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वहाँ ब्राह्मणी से भी टीके हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वहाँ समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत बबके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते। ऐसे भी बहुत है, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं, इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वहाँ है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं, बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यहाँ बाबा जाने और वहाँ बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। बल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाबा के आगे सजा कानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहते हम जितनी पालना करते उनको फिर सजा खिलाऊंगा, हम जिनकी पालना करते हैं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाबा ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वहां तो जन्म पत्री को जानते है, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष ज्ञान में चला, अचानक ही माया ने ऐसा गुस्सा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वहाँ खुशी नहीं रहती, काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े। पतित से क्या दिल लगानी है, हाँ यहाँ ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में या युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप को सबूत देना पड़े हमने कितनों को परिचय दिया। वहां भी फिर लिखते बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यहाँ सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे बाबा यहाँ ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है, योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं है। बाप समझाते भोजन खाते हो तो भी शुबाबा को याद करके खाओ,
कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शुबाबा को याद करो, जरमुई जगमुई ना करो, बल कोई बात का क्यालात भी आता है, फिर बाबा को याद करो तो गोया काम काज का क्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो बल करो, नींद भी करो साथ साथ या भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए या होगा पिछाड़ी तक, धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रह, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वहां भी माया घूम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे, गड़ी गड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते, याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे, बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं सब पढ़ रहे हैं, वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते, मुरली सुनने का शौक होना चाहिए, गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी है ना बाबा, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ, वहां तो ठीक है परंतु चीची से तो अच्छा बनना चाहिए ना, सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाबा का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए, हम बाबा का बने तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वहां भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे, वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ी बरी डोएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े बरी डोएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी, पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वाले से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो सिद्ध होता है, तुमने बहुत भक्ति की है, जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे, मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और बहुत मीठा बनना है, याद से विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्ट मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। सेकंड पॉइंट, बाप और टीचर को
बहुत प्यार से याद करना है, नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, जरमुई जगमुई नहीं करना है, वरदान सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार मूरत उद्धार मूरत बवा, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है, कहां मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहां प्रकृति के तमो प्रदान वायुमंडल के कारण हलचल है, अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। आजकल सब चिंता में है, अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से तक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, तो आप आधार मूरत उद्धार मूरत आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अच्छा, ओम शांति।